हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अखंड क्रॉस पट्टी किस तरह से लगाई जाती है। ये देखिए, इस ब्लाउज में लगाई हुई है अखंड क्रॉस पट्टी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए, ये पूरी अखंड है, यहाँ पर जॉइंट नहीं है बीच में। इस वाले में भी इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी अखंड है। ये देखिए, इस वाले में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी अखंड क्रॉस पट्टी है, यहाँ पर कुछ भी जॉइंट नहीं है। तो इस तरह से क्रॉस पट्टी किस तरह से लगाई जाती है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेपर लेंगे और पेपर पर एक सीधी मार्किंग करेंगे। और जितनी क्रॉस पट्टी हमें चाहिए उतनी हम यहाँ पर क्रॉस पट्टी की मार्किंग करेंगे। हमें तैयार क्रॉस पट्टी 2 इंच की चाहिए, तो 2 इंच पर हम एक मार्किंग कर लेते हैं। ये 2 इंच, अब इसको कट कर लेते हैं। यह हमें तैयार 2 इंच की चाहिए, तो हमने 2 इंच की कट की है। अब क्या करेंगे, कपड़े पर किस तरह से कट करेंगे उसको, ये देखिए, ये डबल है कपड़ा है, ये सिंगल, ये डबल के हैं। अब इसको और डबल करेंगे, ये हो जाएगा 4। इसके ऊपर इसको रखेंगे, नीचे से फिक्स रखेंगे, नीचे से बराबर से फिक्स रखना है। और ऊपर से जितनी हमें सिलाई चाहिए उतना मार्जिन छोड़ते हुए हम कट करेंगे। आपको सिलाई के लिए जितना भी मार्जिन लगता है उसके हिसाब से आप कट कर लें। ये ब्लाउज का कपड़ा है, इसको इसके ऊपर रखेंगे। और कट कर देंगे। बस अब इसको जो है, तो ये अस्तर को इसके ऊपर ज्वाइंट करना है। इसको ज्वाइंट करने का तरीका ये है कि ऊपर की क्रॉस पट्टी निकाल देंगे और इसको सबके नीचे रख देंगे और ये कपड़ा निकाल देंगे। इसके चारों ओर सिलाई लगाएंगे हम। दूसरे वाले को भी इसी तरह से करेंगे। साइड से कपड़ा कट कर देंगे। ये इस तरह से दिखेंगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ब्लाउज में इसको जोड़ देंगे। देखिए, इसको लेंगे पहले, चाहे ये जोड़ो चाहे ये जोड़ो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रखेंगे,
इस तरह से हो जाएंगी अखंड है, यहाँ पर कोई बीच में कोई जॉइंट नहीं है, अखंड है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से गोल गोल करेंगे और यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये दूसरे वाले को भी इसी तरह से करेंगे। अब इसको यहां से निकाल देना है। ये दूसरे वाले को भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पर हुक पट्टी और बटन पट्टी लगाकर इसे फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से लगाई जाती है अखंड क्रॉस पट्टी। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी अखंड है ये। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।